Hello guys, I am here to teach you Matches Prime class 8. I have already taught you exercise 14.1, and I am here to teach you exercise 14.2. Question number 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, now so without further delay, let's get started. And if you want to download the PDF of that video, you can download it on the description box or in a telegram group. So let's get going. What is our first question? Our first question is that. द लेंथ ऑफ अ पैरल साइड ऑफ अ ट्राइपेंजियम आर ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड फोर्टीन सेंटीमीटर मतलब कोई क्या बोल रहा है अगर हम बात करें लेंथ ऑफ पैरल साइड की किसी ट्राइपेंजियम की तो वो कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर और फोर्टीन सेंटीमीटर द डिस्टेंस बिटवीन दम इज टेन सेंटीमीटर और उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है टेन सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपेंजियम अब हमको बताना है एरिया ऑफ ट्राइपेंजियम को तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइपेंजियम ओके ना सो एरिया ऑफ टेम्पेजियम होता है वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरल साइड एंड मल्टीप्लाइड एच ओके न सो वट वी विल डू नाउ वट आर द सम ऑफ पैरल साइड्स इफ बी टॉक अबाउट द पेरल साइड सो ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर आर द पेरल साइड इट इज गिवेन ऑन द क्वेश्चन ओके ना एंड डिस्पेंस बिटवीन टेन सेंटीमीटर अब क्या बोल रहा है अगर उसके हाइट की बात करें तो उसने गिवेन है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ टेन सेंटीमीटर ये हमारी हाइट हो जाएगी सिंपली वी विल पुट अप द वैल्यू ऑन द फॉर्मूला सो वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड ट्वेंटी प्लस फोर्टीन एंड मल्टीप्लाइड टेन सो इट बिकम एरिया इक्वल टू थर्टी फोर मल्टीप्लाइड टेन अपॉन टू सो एट लास्ट वी विल गेट आर आंसर वन सेवेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आर आंसर सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ आर नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ रोम्बस इज टू ट्वेंटी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर एक एरिया रामबस का कितना है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर है इफ़ द लेंथ ऑफ वन डाइगोनल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर वो बोल रहा है कि अगर उसका डाइगोनल की बात करें तो उसकी लेंथ कितनी है एक की ठीक है ना फिफ्टीन सेंटीमीटर तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल्स अब हमको दूसरे डायगोनल्स की लेंथ बतानी है ठीक है ना अब हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रोम्बस का फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है तो वन अपॉइंट टू प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ओके ना सो वी विल पुट अप द वैल्यू ऑन इट सो वन अपॉइंट टू वॉट इज यर फर्स्ट डायगोनल फर्स्ट डायगोनल इज फिफ्टीन एंड अदर डायगोनल वी डोंट नो वी हैव टू फाइंड इट ओके ना सो so, टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड फिफ्टीन सो अदर डायगोनल इज इक्वल टू टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड टू अपॉन फिफ्टीन सो अदर डायगोनल इज थर्टी सो हियर इज व्हाट इज आर आंसर हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ पे आंसर थर्टी हो जाएगा ठीक है ना लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज़ वन साइड इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर क्या बोल रहा है कि एक रोमबस का हमको एरिया बताना जिसका वन साइड इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर है एट द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज ट्वेल्व सेंटीमीटर और उसका डायगोनल्स कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो इस क्वेश्चन को वेरी केयरफुली करेंगे क्योंकि इट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्राम द अदर वन ओके ना सो लेट द डायगोनल्स भी d1 वन एंड डी मान लेंगे डायगोनल्स को कितना मान लेंगे d1 डी वन एंड कौन सा d1 दिया हुआ है ट्वेल्व सेंटीमीटर एट द राइट एंगल अब क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को किस पे राइट right एंगल्स पे अगर राइट right एंगल्स पे बाइसेक्ट करेंगे तो हमारा वही पाइथागोरस पाइथागोरस्थरम आ जाता है पाइथागोरस पाथागोरस्थरम लगा देंगे डी वन अपॉन टू की पावर टू ओके ना एंड प्लस डी टू अपॉन टू की पावर टू इक्वल टू टेन की पावर टू दिस इज़ आर पैथागोर थ्योरम ओके ना ये हमारी थ्योरम होती है सो क्या होगा हम वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ट्वेल्व अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे प्लस डी टू अपॉन टू का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि डी टू अपॉन टू हमको डी टू तो पता ही नहीं है उसी को तो करना है निकालना है ठीक है ना तो हंड्रेड ये तो टेन का पावर जब टू टाइम्स कर देंगे तो टेन का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा हंड्रेड आ जाएगा ठीक है ना अब कितना आ रहा है यहाँ पे थर्टी सिक्स प्लस डी टू अपॉन टू का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू हंड्रेड ओके ना अगेन वी विल सॉल्व द इक्वेशन सो इट बिकम्स डी टू अपॉन टू का स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी फोर सो डी टू अपॉन टू इक्वल टू एट सो डी टू इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर्स सो एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है अब हमको पता है एरिया ऑफ रम्बस होता है वन अपॉइंट टू इन मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइगोनल्स ओके ना सो वी विल वी हैव गॉड द डी टू वी हैव गॉड द सेकंड डायगोनल्स हमको यहाँ पे सेकंड डाइगोनल मिल गया है अपना ठीक है ना तो अब क्या करेंगे इस बैलू पर पुडअप कर देंगे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइगोनल्स क्या होता है जैसे दो डायगोनल उनको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वन टू मल्टीप्लाई डी वन एंड डी टू अब डी वन हमको पहले से ही दिया था ट्वेल्व और डी टू आ गया हमारा अब हम इसको सीधे मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन द डायगोनल ऑफ रॉम्बस मेजर सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर फाइंड इट्स पैरीमीटर ठीक है ना अब हमको इसका पैरीमीटर बताना है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एक डायगोनल्स की अगर बात करें रोमबस की तो सिक्सटीन सेंटीमीटर है और कितना है थर्टी सेंटीमीटर फाइंड उसका पैरीमीटर हमको बताना नाउ बाई सिंग दिस अटैच पिक्चर हम इस पिक्चर में देखेंगे बी से दैट एट सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड फिफ्टीन सेंटीमीटर प्लस फिफ्टीन सेंटीमीटर इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर हम इस इसमें देखेंगे क्योंकि हमको डायगोनल्स दिए हुए हैं अब हमको इसको प्रूव करना है ठीक है ना सो नाउ अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम अब हम इसमें फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ठीक है ना तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अब इस फॉर्मूले को हम फिर से यहाँ पे रख के हमको पता है क्या क्या जो पता है उसको पुट अप कर देंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू एट का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू टू हंड्रेड एंड एटी नाइन सो एच इक्वल टू सेवनटीन दे बिफोर पैरामीटर ऑफ रैमबस इज फोर इंटू साइड होता है हमको ये पता है पेरीमीटर ऑफ रंबस क्या होता है फोर इंटू साइड होता है अब हमारा एक साइड आ गया है एच इक्वल टू अब एक साइड आ गया सेवनटीन तो सेवेंटीन को क्या कर देंगे सीधे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट आर आंसर सिक्सटी फोर देर वी फॉर ऑफ रंबस इज सिक्सटी एट ओके ना इट्स सिक्सटी एट नॉट सिक्सटी फोर सॉरी हाँ सॉरी फॉर दैट नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ ट्राईपेंजियम इम ट्राइपेंजियम इज़ फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर स्क्वायर इट्स पैरल साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ फोर एंड फाइव द हाइट ऑफ ट्राइपेंजियम इज ट्वेल्थ फाइन द लेंथ ऑफ साइट अब हमको पता है क्या बोल रहे क्वेश्चन में एक एरिया का अगर ट्राइपेंजियम के एरिया की बात करें वो कितना है फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है ना इट्स पैरल साइड्स कितनी है किस रेशियो पे फोर इज टू फाइव के रेशियो पे हाइट उसका ट्राइपेंजियम कितना है दिया हुआ है ट्वेल्व दिया हुआ है फाइन देंथ ऑफ अदर साइड अब हमको लेंथ करना है किसका अदर साइड्स का ठीक है ना तो हम क्या कर लेंगे जो रेशियो में दिया है उसको लेट भी था ए इक्वल टू एक्स फोर एक्स मान लेंगे अभी इक्वल टू कितना मान लेंगे फाइव एक्स मान लेंगे ठीक है ना एंड एच इक्वल टू हमको ट्वेल्व दिया हुआ है तो और एरिया कितना दिया हुआ है फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर सो अब इसको हम फार्मूला में सीधे फिटअप कर देंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रैफिक जेम होता है वन पॉइंट टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड एच ओके ना ये हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे वन पॉइंट टू की जगह जीरो पॉइंट फाइव कर दिया है क्योंकि वन पॉइंट टू और जीरो पॉइंट फाइव दोनों चीज़ें सेम होती हैं ठीक है ना आप यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव की जगह पे वन पॉइंट टू भी लिख सकते हैं ठीक है ना अब क्या करेंगे आप करेंगे क्या कि सीधे वैल्यू को पुट अप कर देंगे ठीक है ना फाइव नाइन्टी फोर इक्वल टू आप यहाँ पे वन पॉइंट टू कर लो ठीक है ना वन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड ट्वेल्व एंड मल्टीप्लाइड नाइन एक्स नाइन एक्स कैसे आया क्योंकि फोर एक्स और फाइव एक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा नाइन एक्स आएगा ठीक है ना वेन वी आर गोइंग टू साल्व देश वी विल गेट नाइन्टी नाइन अपॉन नाइन्टी नाइन इक्वल टू नाइन एक्स ओके ना सो एट लास्ट वी विल गेट नाइन्टी नाइन अपॉन नाइन इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू इलेवन अब हमको क्या करना एक्स इक्वल टू इलेवन आ गया तो हमारी जो पहली साइड का रेशियो था वो कितना था फोर एक्स था ओके ना तो फोर मल्टीप्लाइड एक्स कर देंगे तो ये हमारा फोर्टी फोर सेंटीमीटर और सेकेंड साइड कितनी थी फाइव एक्स थी रेशियो में दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन में आप देख लो फोर एक्स और फाइव एक्स ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे इलेवन आ गया था तो फाइव एक्स में क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाइड एक्स कर देंगे एक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे वह आप फिफ्टी फाइव हो गया वी हैव गॉट आवर आंसर इफ़ यू गैस थिंग्स कि दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू सो लाइक द वीडियो एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड If you like the video, so I will get motivated for making these kind of videos. So, thank you guys.